हेलो दोस्तों, सारा फैशन बुटीक में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बाजू का एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो आपका जो भी साइज़ है बाजू का, वो आपने मेज़रमेंट्स के अकॉर्डिंग कट करके रख लेना है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने अपना बाजू जो है कट करके रखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आपको भी कर लेना है जो भी मेज़रमेंट्स हैं। तो मैं अभी यहाँ पर अपने बाजू के मेज़रमेंट्स आपको बता देती हूँ। ये देखिए, इसकी जो लंबाई हमने कट करी है 16 इंच कट की हुई है, जो कि तैयार होने के बाद 15 इंच हो जाएगी। और यहाँ पर जो इसकी मोहरी है वो मैंने 6 इंच ली हुई है, और आर्मोल हमारा है यहाँ पर 8 इंच का, ठीक है। बाकी कुर्ती की पूरी कटिंग मैंने वीडियो पहले ही डाली हुई है, उसमें मैंने पूरे मेज़रमेंट्स अच्छे तरीके से समझाए हैं। आप अगर कुर्ती की कटिंग सीखना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके लिए मैंने कैनवास लिया हुआ है, जिसकी चौड़ाई है 4 इंच और लंबाई है 6 इंच, ठीक है। 4 इंच जो है वो मेरा डबल में है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये टोटल 8 इंच है, क्योंकि हमें दोनों बाजुओं का डिज़ाइन बनाना है इस तरीके से। अब हमने एक और फोल्ड कर लिया है इसको चौड़ाई की तरफ से। ये देखिए, लंबाई हमारी यहाँ पर 6 इंच है, तो इसमें दोनों साइड से आपने एक एक इंच इस तरीके से निशान लगा देना है, और इसका जो सेंटर है वो 3 इंच पे मार्क कर देना है। अब इसकी चौड़ाई का निशान लगाएंगे, जो भी हमारा डिज़ाइन है। तो मैं यहाँ पर जो चौड़ाई ले रही हूँ इसकी 1.25 इंच ले रही हूँ। आप अगर ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से इसको कट कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पर एक ओवल शेप देनी है, गोलाई से इसको मिलाते हुए लेकर के जाना है, और इसकी आउटर लेयर भी आपने आधा आधा इंच का डिफरेंस देते हुए इसको इस तरीके से मिला देना है। अब आपने सबसे पहले आउटर लेयर कट करनी है इसकी इस तरीके से, और अब आपने अंदर वाली लेयर भी कट कर देनी है। मार्किंग के ऊपर ही कट करें दोस्तों। ये देखिए, अभी हमारे दोनों बाजू के कटवर्क तैयार हैं। अब हम इनको फैब्रिक पे इस तरीके से रखकर तैयार करेंगे। अगर आपके पास पेस्टिंग वाला कैनवास है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये जो कच्ची वाली सिलाई है ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। और अगर आपके पास नॉर्मल कैनवास है तो आप इसको इस तरीके से कट करके पहले फैब्रिक पे इसको इस तरीके से एक सिलाई लगा दें, उसके बाद इसको चारों तरफ से इस तरीके से आपने मोड़ देना है, ठीक है। एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है और उसके बाद इसको मोड़ देना है। ये देखिए, ठीक है। तो अब हमारा जो कटवर्क है वो रेडी हो चुका है, बाजू हमारी पहले से तैयार है दोस्तों। तो अब इसको ओपन करना है आपने इस तरीके से, और आपने सीधा उल्टा चेक कर लेना है। ये जो डिज़ाइन है वो हमें सीधी तरफ पे रखना है, ऊपर की तरफ आपने सीधा हिस्सा रखना है, और आपने इसको भी इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। जो हमने कटवर्क तैयार करा था उसका सेंटर लाइन लेना है, जैसे हमने अपनी स्लीव का लिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये दोनों सेंटर लाइंस को आपने मिलाते हुए इस तरीके से स्टिच करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो नीचे की तरफ है हमने 1.5 इंच छोड़ दिया है, यहाँ पर हम अपना बॉर्डर लगाएंगे। तो इसको पिंस की हेल्प से सिक्योर कर लें दोस्तों, कटवर्क और बाजू को इस तरीके से, ठीक। अब इसके कॉर्नर पे आपने सिलाई लगानी है, जो हमारा कैनवास है उसके किनारे किनारे बिल्कुल सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर आपने सिलाई नहीं लगानी है, जिससे कि जब आप इसको सीधी साइड पे टर्न करेंगे तो ये एकदम क्लियर बन के आएगा। ये देखिए इस तरीके से, तो ये हमारा जो है कटवर्क स्टिच हो चुका है दोस्तों। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। बीच में आपने एक छोटा सा कट लगाना है सीज़र के लिए, और उसके बाद इसको किनारे किनारे स्टिच कर देना है, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। और दोनों ये जो कॉर्नर हैं हमारे, इनको अच्छे से शार्प कर देना है, और जहाँ पर राउंड शेप है वहाँ पर छोटे छोटे नोचेस लगा देने हैं आपने इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम इसको पलट के दिखाते हैं आपको। ये देखिए तैयार हो गया। तो आपने इसको उल्टी साइड पे सारा जो कटवर्क है वो निकाल देना है इस तरीके से,
तो ये देखिए बाजू हमारी कुछ इस तरीके से आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसको आयरन भी कर लिया है। वैसे ये डिज़ाइन ऐसे भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बाजू का बॉर्डर लगाएंगे दोस्तों। ये देखिए, मैं ये फैब्रिक इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो हमारी कुर्ती का प्लाज़ो है वो इसी कलर का है, इसी फैब्रिक का है, तो इसलिए हम थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके ये डिज़ाइन बनाएंगे दोस्तों। ये देखिए, सबसे पहले एक सिंगल सिलाई आपने देनी है इस तरीके से, उसके बाद आपने पाइपिंग बना देनी है इसको फोल्ड करके। ठीक है, ये लीजिए, हमारी बाजू का बॉर्डर भी तैयार हो गया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो अब बारी है हमारे आज के डिज़ाइन की, फिलअप की। तो फिलअप के लिए मैंने यहाँ पर कुछ पीसेस लिए हुए हैं, दोनों कलर के ले रखे हैं, पिंक और हमारी जो कुर्ती का कलर है वो। तो 4x4 के ये फैब्रिक लिए हुए हैं दोस्तों मैंने, तो इसी तरीके से आपने भी लेना है। मेज़रमेंट्स का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करके ट्रायंगुलर शेप में इनको स्टिच कर लेना है सारे पीसेस को। आप ये डिज़ाइन देखें और फिर आप अपने हिसाब से इसको मैनेज करें कि यहाँ पर आपको कितने पीसेस की रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये स्टिच कर लेने हैं। ये देखिए, ऐसे करके सेम इसी तरीके से ये जो हमारा मस्टर्ड कलर है वो भी हमने स्टिच कर लिया है। ये देखिए, ठीक। तो अब इसको सेट कैसे करना है वो आप देखें। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पे हम अल्टरनेट कलर यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे फिर एक के बाद एक आपने इस तरीके से कलर ऐसे रखने हैं, और बीच का जो डिस्टेंस है वो आपने ध्यान रखना है, बराबर रखना है दोनों साइड से, ये आप ध्यान रखें। तो ये देखिए, अभी से ही बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए, ठीक है, तो ये हमारा जो है फिलअप का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपने एक सेंटर में सिलाई लगानी है, संभाल के लगाएं इसको क्योंकि ये मूवमेंट हो सकती है इनमें। ये देखिए, तो हमारी ये सेंटर वाली सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब आप जब हम इसको तैयार कर लेंगे ना, तो ये सेंटर वाली सिलाई हम निकाल देंगे। ठीक है, तो अभी हमने इसको बाजू पे इस तरीके से सेट करना है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है डिज़ाइन हमारा। तो अब हम इसको किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे, जो कि हमारा ये जो पैच वर्क है और हमारा जो बाजू है दोनों आपस में सेट हो जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से सिलाई करनी है आपने किनारे किनारे। ये देखिए, है ना, तो ये हमारा डिज़ाइन बनके तैयार है दोस्तों। अब इसमें एक फाइनल टच देना है। तो ये जो सेंटर वाली सिलाई है, सबसे पहले आपने इसको निकाल देना है, खोल देना है, और फिर ये जो ट्रायंगल्स हैं इनके कॉर्नर पे हम मोती लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये सिलाई हम निकाल देते हैं, मैं निकाल के दिखाती हूँ। अब देखिए, ये जो जितने भी कॉर्नर्स हैं हमारे मस्टर्ड और पिंक, तो दोनों पर आपने इस तरीके से कॉर्नर पे सभी के मोती लगा लेने हैं दोस्तों। ये देखिए कितना खूबसूरत पार्टी वियर हमारा डिज़ाइन बनके तैयार है, सिंपल सोवर एंड पार्टी वियर। तो आपको कैसा लगा है आज का ये डिज़ाइन दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो आज की अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।